काजल नूतो कोमल मैडम ये दो शब्द कहना चाहता मंत्र वाले क्या कह रहे तुम्हें चैनल दादो का
ਸੁਹਿਲਨ ਸਾਰੇ ਰਾਂ ਰਾਂਦੇ ਜੀ ਆਸੀ ਆਰੀ ਜੀ in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur. Thank you.
Yeah!
सर आप हमें बता सकते हैं कि आज जो सुंदरनगर में इतनी चहल पहल है, इतने लोग इतना बन ठन के इकट्ठे हुए हैं, वो किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? जय करा बाबा रामदेव महाराज जी दा, बोल सच्चे दरबार की। मैडम मैं ज्योतिषाचार्य विश्व पांडे, इस पूरे अनुष्ठान का मुख्य आचार्य। आज जो आप इतनी चहल पहल देख रहे हैं, मोहल्ला सुंदर नगर बाबा साधु शाह बल्ली जहां 26 जनवरी का मेला लगता है, उसके बिल्कुल ठीक गली के अंदर पे श्री बाबा रामदेव महाराज एवं उनके अनुयायी सभी जी का जो उनकी जो विशेष मान प्रतिष्ठा है राजस्थान में गंगानगर के आसपास उस क्षेत्र में है, और उनकी पहली प्राण प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में लुधियाने फिरोजपुर इधर अलग अलग क्षेत्रों में मंदिर है, लेकिन होशियारपुर में पहला मंदिर स्थापित होने जा रहा है। जो ये युवा हमारे साथ कृष्ण लाल जी, साहिल जी, इन और महिला मंडलों में बहुत हर्ष उल्लास है। आज 21 तारीख में आज प्रभु बाबा रामदेव जी को नगर परिभ्रमण में शोभा यात्रा के रूप में लेके जाना है हमने, और उसकी भी आपने अपने दर्शकों को दिखाना है उस चीज़ को भी, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा तमाम स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब बिल्कुल तैयार हुए हैं और उस कार्यक्रम को ये रूप देने के लिए तैयार हुए हैं। तो मैम इसके साथ ही मैं आपको बाकी जानकारी हमारे कृष्ण लाल जी, साहिल जी और बाकी महिला मंडल की शोभा यात्रा की वो भी देंगी, कृपया इनसे भी इसकी जानकारी लीजिए। आइए जानकारी दीजिए कृष्ण लाल जी। सर आप हमें बता सकते हैं ये जो अनुष्ठान है उसके बारे में थोड़े, यहाँ पे जो लोग एकत्रित हुए हैं? हाँ जी, जय बाबा रामदेव जी महाराज पीर की जय। ऐसे है जी, हमारा ये कुल देवता है जी, राजस्थान में इनका बड़ा स्थान बना हुआ है, हमारे होशियारपुर में पहली बार बनाया गया है ये, और ये बनाया गया है हमारे जो बाबा साधु शाह बली पीर कही जहाँ पे मेला लगता है 26 जनवरी को, उनके साथ गली के अंदर में जाके लास्ट में ये बनाया गया है। और जैसे जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, अपना अमृतसर वगैरह फिरोजपुर में सभी में बना हुआ है, और हमारे होशियारपुर में पहली बार बनाया गया है। और आज का हमारा जो है ये कलश यात्रा निकाला जा रहा है, हमारे साथ जितने भी हमारे जो सेवादार हैं सब हमारे साथ में संजोग दे रहे हैं, महिला मंडल हमारे साथ में है, और जो आज हमारा ये कल का हमारा हवन पूजा था, आज का हमारा कलश यात्रा है, कल हमारा भंडारा होगा जो मूर्ति स्थापना का, कल का हमारा लास्ट। सर आप हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? साहिल जी मौजूद है जिनके मन में ये इच्छा है कि यहाँ पर भी मंदिर बनना चाहिए, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में ये इच्छा कैसे आई और इस मंदिर का पूरा अनुष्ठान के बारे में इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, आपके मन में एक ऐसी इच्छा कैसे है कि हमें यहाँ पर भी होशियारपुर में भी इसका मंदिर होना चाहिए? यह जी हमारा गुरु पितर बाबा रामदेव जी है, ये सांसी समाज जितना है जो इसको सब मानते हैं हमारे, तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये हमारा कोई गुरु पितर है या इसका कोई मंदिर होता है। हमारे में एक धोख मनाई जाती है, हम हर साल उसको धोख मनाते थे, तो हमें इसके बारे में पता नहीं था कि ये मंदिर है इस चीज़ का भी। तो हमारे यहाँ पे एक फंक्शन था, हमारे मंदिर के सामने एक हाउस में यहाँ पे फंक्शन था, तो वहाँ पे काफ़ी कूड़ा वगैरह कचरा था यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो उधर ये बात चल रही थी ये बाबा जी की जगह है और यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, तो मुझे उस टाइम किसी के मुंह से पता लगा कि अपना ये जगह बाबा जी की है। फिर मैंने जो इनके जिन्होंने ये दान की थी मंगू राम, उनसे मैंने बातचीत की कि आप ये जगह हमें दे दो, हम मंदिर बनवाएंगे। तो मैंने अपने जितने युवक हैं, लड़के, नौजवान साथी समाज जितने भी लड़के हैं हमारे, उनको इकट्ठा किया मैंने, फिर हम सब ने मिल के चंदा इकट्ठा किया, कुछ अपने से दिया, घर से लिया, सबसे इकट्ठा करके ऐसे ये मंदिर बनाया है। आज बाबा की कृपा से इतना कुछ हो रहा है। सर ये मंदिर कब तक बन जाएगा और इसकी नींव कब रखी गई थी, इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? इसकी नींव जी 2021 में रखी गई थी, और ये धीरे धीरे करके अभी जाके 21 पर अपना 2024 को फरवरी मंथ 2022 को इसकी मूर्ति स्थापना है, 2024 को 22 तारीख को मूर्ति स्थापना है इसकी। सर ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप हमें बता सकते हैं कि शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी जी? इनके बारे में ये किशन लाल जी बताएंगे। शोभा यात्रा जो हम निकालेंगे यहाँ से मंदिर से ले जाके, और यहाँ से घूमते हुए हम लोग जाएंगे परले, यहाँ से सुंदर नगर होते होते महावीर मिल से लेके और वाया फतेहगढ़ होके हम लोग वापस ही आएंगे जी।
ये महिला मंत्री, तो आप हमारे पीछे जो महिलाएं खड़ी उन्हें भी देख सकते हैं, उनके चेहरे पे खुशी आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, वो सज धज के तैयार हुई खड़ी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर के बनने की इन्हें कितनी खुशी है। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है मैम आपका? मेरा रोशनी नाम। मैम आप हमें बता सकते हैं कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, ये जो बाबा रामदेव है उनका इतिहास क्या है इस बारे में? ये हमारे बुजुर्गों का, बूढ़ों का, हमें तो नहीं पता है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पता है, हमें भी पता है। भाई बाबा रामदेव जी है बीकानेर, बीकानेर से सैड में रुनेचन, बाबा रामदेव जी का गांव है रुनेचा, वहाँ हम जाते हैं हर साल नौवे महीने में जाते हैं, दसवीं की धोख लुक नौवे महीने की, आठवें की लगती है धोक हमारी लगती है, जैसे कि सातवें आठवें नौवें की हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, ऐसे हमारी धोक लगती है वहाँ पे। तो हमारे को बहुत खुशी हुई, हमारे मोहल्ले में हमारे घर के पास इतना बड़ा बाबा रामदेव जी ने घर बनाया, तो हमारे अंदर प्रवेश किया, हमारे मोहल्ले में प्रवेश किया, बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत बहुत खुशी है। बोल बाबे रामदेव जी की, बोल दाला भाई की, बोल सुगना भाई की, बोल नेतल भाई की, बोल रणे चेले धाम की। इतना कह सकती ये है यार, मतलब है ये 100 साल तो भी पहले दे बाबा जी सीगे, दादे परदादे बड़ी पूजा करते सी, जिहड़ी असी लोग सी असी भुल बैठे सी, जिहड़े बच्चे साढ़े पढ़न लगे ना उन्होंने कापियां खोल के पढ़िया सारा साडा, ते उन्होंने बड़ी कोशिश करके ये मंदिर बनाया है, मंदिर बनाया बड़े सालों दे लगे सी बन गया। एक तुहाडे अगे साडी रिक्वेस्ट हैगी, एक तो साडा गली महला नहीं सुधरदा, असी साड़ी गली च वोटा लेके चले जाते, दूजे दिन साड़ी पहचान साड़ी कट देंदे आ, मतलब साड़ी सहसी समाज जात हैगी आ, ते असी चाहते हाँ कि असी भी रलिए, असी भी कुछ करके दिखाइए कि साड़ी भी कोई फरियाद सुनन वाला आया सीगा, ते साड़ा काम संपूर्ण हो गया, साड़ा रामदेव जी अपने कोल आया, असी सानू बड़िया खुशियां, असी तन मन लुटान नू तैयार है गे, भुखे रह के असी गुजारिश कर लवांगे, साडे गरीब आदमी मेहनत करते आ, कमाते आ, बच्चे पालते आ, होर कोई साडे बच्चों से लक्षण नहीं है गे, बच्चे पढ़न लगे आ, बड़े बड़े स्कूलों से जान लगे, हूँ बच्चे सानू गाला कढ़दे, तुसी की करके विखाया, हूँ असी समाज नाल दुनिया नाल रलना चाहते हाँ, साडा भी कुछ बने, असी पिछों पता नहीं बच्चे की करनगे, साडी कीमता अज हैगे कल नहीं हैगे। क्या नाम है मैम आपका? शारदा। मैम आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे जो लोग हैं इतना बनठन के तैयार होके आए हैं वो किस लिए आए हैं और इसका इतिहास क्या है? मैम ये हमारे कुल देवता बाबा महाराज रामदेव मंदिर का यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही है, जो हमारे कुल देवता कई सालों से मना रहे हैं यहाँ पर, आज हम एक त्यौहार की तरह जो कई सब धजकर यहाँ पर 3 दिन का हमारा मेला है और यहाँ पर मना रहे हैं हम। आपको जो यहाँ पे स्थापना हो रही है आपको कितनी खुशी है इस चीज़ की? बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि हमारे कुल देवता यहाँ पर हमारे पधारे हैं, हमें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पर। तो आप हमारे जो व्यूअर्स उनको कुछ कहना चाहेंगे इस बारे? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आए, अपनी श्रद्धा से माथा टेके और अच्छे से यहाँ पर आए, यहाँ पर वेलकम उनसे हम दिल से करते हैं। मैं बता सकते हैं यहाँ पे कि जो लोग तैयार हो के आए आपको जो यहाँ पे स्थापना हो रही है आपके कुल देवता की कितनी खुशी है आपको इस चीज़ की? हमें बहुत खुशी हुई कि कुल मंदिर यहाँ पर बन रहा है, दादे परदादे के समय से नहीं बना था, आज के जो बच्चों ने बना दिया, हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे को। जिन्होंने ये मंदिर बनवाने की सोची, जिन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाने की स्थापना करवाने की सोची, आज हमारे साथ उनकी दादी जी मौजूद है और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? चैनी। आप हमें बता सकते हैं ये जो मंदिर बन रहा है उसके इतिहास के बारे में? बता ये सकते, 70 साल हो गए जगह सेवा में आई थी, मंदिर बन जाएगा, कोई टाइम नहीं था, ये टाइम आया है तो मेरे पोते को पूरे गाँव ने साथ दिया है, अच्छा नाम कमाया है, मालक उसको तंदुरुस्तियाँ दे, और जितने हमारे भाटू जाते हैं आओ दर्शन करो, और
बाबे से पर्चा मांगो, बाबा पर्चे देगा तुमको, तो यहाँ सब बच्चे दर्शन करेंगे। भाई मेरा पोता चिया मरिया पहरवानी माँ पूरिया माँ नाम कुमारी गया किसने का पोता चैनिया का पोता है, जितने भाटू समाज है इतने आओ बाबे राम जिया का मत्था टेको पर्चे ले बिल्कुल धोरे आएगा थारे। क्या नाम है मैम आपका? लच्छो दे। आप हमें ये जो मंदिर बन रहा है जो यहाँ पे स्थापना हो रही है बाबा रामदेव के, आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। गे हमारे रामा पीर है, रामदेव जी पीर कहते हैं, गे इनका धाम है राजस्थान रुणेचा। कई सालों से हम इनको हमारे सेंसी समाज इनको मानते हैं, बहुत इनकी हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही हम दिल से इनको मानते हैं, हमारे पीर है गे। आज शुक्र गुजारे जो इस रामे पीर को रामदेव जी महाराज को जो हमारे सेंसमल में गया के प्रकट हुआ है, हम आज 50 साल के बाद आज इसका धाम हुआ है, आज इसकी शुरुआत है, शोभा यात्रा है, हम बहुत ही खुश हैं इस बात में भी। हमारा रामा पीर सबको सुख शांति दे, सबको शुभकामना दे, हर एक की मर्याद पूरी करे, सबके दुख मुसीबत दूर करे, औलाद की औलाद दे, सबकी परेशानी करे, इस बात की हम दुआ इनको मांगते हैं।